दुनिया में अगर हिटलर के बाद किसी देश में तानाशाह की बात की जाती है तो सिर्फ एक नाम ही हर किसी की जुबा पर होता है। वह नाम है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग का। जी हाँ, किम जोंग नॉर्थ कोरिया का वह तानाशाह शासक है जिसने अपने देश की जनता को अपना गुलाम बनाया हुआ है। वह अपनी प्रजा को कभी भी चींटी की तरह रौंद सकता है। किम जोंग की तानाशाही तो दुनिया में इस कदर फैली हुई है कि वह अपनी प्रजा के अलावा अन्य देशों को भी अपनी मुट्ठी में करना चाहता है। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसने नॉर्थ कोरिया के तानाशाही किम जोंग से दोस्ती की हो और उसकी वह दोस्ती अंत तक चली हो। जी हाँ, आज तक सिवाय भारत के ऐसा और कोई देश नहीं है जिसके सामने किम जोंग उन्हें अपनी तानाशाही ना दिखाई हो। पर क्या कभी आपने सोचा है कितना बड़ा तानाशाह आखिर भारत के सामने अपने घुटने क्यों टेक देता है? क्या किम जोंग को मोदी से डर लगता है? क्यों आज तक कभी तानाशाह किम जोंग ने भारत से पंगा नहीं लिया? क्या तानाशाह किम जोंग ने भारत को अपना बेस्ट फ्रेंड माना है? यहाँ तक कि किम जोंग की कई योजनाओं का विरोध करने पर भी आज तक उस तानाशाह नेता ने भारत को कभी नहीं ललकारा है। आखिर ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से किम जोंग भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता है? क्या सच में नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भारत के खिलाफ कर रहा है कोई साजिश? क्या छुपकर किम जोंग ने की है भारत के दुश्मनों से दोस्ती? जी हाँ, ऐसे ही कुछ राजनीतिक और अविश्वसनीय सवालों के साथ आपका स्वागत है इस वीडियो में। यहाँ हम आपको इन सभी बातों के जवाब देंगे जो कि आपने कहीं और नहीं सुने होंगे। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक और जानिए कि आखिर भारत को नॉर्थ कोरिया पर क्यों हो रहा है शक और अभी तक तानाशाह किम जोंग ने भारत पर कोई हमला क्यों नहीं किया है। यह सच है कि पूरी दुनिया में अमेरिका को सर्वश्रेष्ठ देशों की श्रेणी में रखा गया है। वहीं क्या आपने गौर किया है कि पहले नॉर्थ कोरिया के रिश्ते अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन एक समय आया कि जब तानाशाह किम ने अमेरिका से भी अपने रिश्तों को खराब कर लिया। इसके अलावा कुछ समय पहले पाकिस्तान और चाइना ने भी नॉर्थ कोरिया से अपने रिश्ते खराब कर लिए थे। लेकिन इतने बड़े बड़े देशों से लड़ने के बावजूद आज भी किम जोंग भारत के सामने अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करता, इसके भी कई सारे कारण हैं। जी हाँ, इस समय भारत एकमात्र ऐसा देश है जो कि हर पल नॉर्थ कोरिया की सहायता करने के लिए तैयार रहता है। नॉर्थ कोरिया के राजनीतिक संबंध भारत के साथ बहुत अच्छे हैं। वहीं भारत और नॉर्थ कोरिया के व्यापारिक संबंध भी अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। भारत की सेना नॉर्थ कोरिया की सेनाओं को ट्रेनिंग देती है। इतना ही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया से कई मिलियनों का सामान भारत में भेजा जाता है और भारत से उतना ही सामान नॉर्थ कोरिया के द्वारा खरीदा भी जाता है। नॉर्थ कोरिया के लिए भारत का इतना नरम स्वभाव आज से नहीं, बल्कि भारत तो कई साल पहले से किम जोंग की मदद कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वह किम जोंग की तानाशाही का समर्थन करता है। एक समय था जब नॉर्थ कोरिया में भूखमरी की स्थिति पैदा की। जी हाँ, सन 2002 और 2014 की बात है जब उत्तर कोरिया में भारी अकाल पड़ा था, पर उस समय किसी और देश ने नॉर्थ कोरिया की मदद नहीं की थी। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश था जिसने आगे आकर नॉर्थ कोरिया में कई टन अनाज भिजवाया था जिससे कि वहाँ के लोगों को बचाया जा सके। आज कोरिया के शासक किम जोंग पर भारत के या फिर कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के इतने एहसान हैं कि वह चाह कर भी उन्हें नहीं उतार सकता। तो फिर ऐसे में भारत से युद्ध करने के बारे में तो वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। इस समय भारत के पास कोरिया से कई गुना ज्यादा हथियार है जिससे कि भारत नॉर्थ कोरिया को युद्ध में आसानी से हरा सकता है। यहाँ तक कि आज भारत को नॉर्थ कोरिया की हर नक्स के बारे में जानकारी है। उसे पता है कि किस समय कौन सा पासा फेंकने पर नॉर्थ कोरिया को हराया जा सकता है। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको एक ऐसा सच बताएं जिसके बारे में आपने कहीं पहले नहीं सुना होगा? जी हाँ, इस समय भारत और नॉर्थ कोरिया के भाईचारे वाले संबंधों के बीच एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई है जो कि आपको चौंका कर रख देगी। आज भारत के सामने झुकने वाला नॉर्थ कोरिया छिपकर भारत के दुश्मनों के साथ दोस्ती कर रहा है। यह कोई अफवाह नहीं बल्कि गुप्त सूत्रों से मिली ताज़ा जानकारी है। जी हाँ, यह सत्य है कि कुछ साल पहले नॉर्थ कोरिया ने चाइना और पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती भरे रिश्ते को ख़त्म किया था। लेकिन कोरोना के बाद जब से भारत पाकिस्तान और चीन के बीच उलझा हुआ है, तब से ये उसने बाकी किसी और देश पर अपनी नज़र रखना बंद कर दिया है। अब सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भारत का दोस्त कहा जाने वाला नॉर्थ कोरिया
छिपकर भारत के दुश्मनों से दोस्ती कर रहा है। वह छिप छिप कर कुछ देशों से मिलने जाता है। भारत के दुश्मनों के साथ यूं उठना बैठना अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। ऐसा पता चला है कि बीते कुछ दिनों में नॉर्थ कोरिया के जहाजों को पाकिस्तान की तरफ जाते हुए देखा गया है, जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि वह जहाज परमाणु हथियारों से भरे हुए थे। इन जहाजों में कई परमाणुओं को पाकिस्तान तक पहुंचाया जा रहा है। अपने निजी सूत्रों से भारत को पता चला है कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान मिलकर कई ऐसे परमाणु हथियार तैयार कर रहे हैं जिससे कि भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसके लिए इन दोनों देशों ने पाकिस्तान में ही परमाणु हथियार बनाने की जगह भी बनाई है, जहां पर नॉर्थ कोरिया के सभी हथियारों को भेजा जाता है। इस समय पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध करने की तैयारी में जुट गया है और इस तैयारी में उसकी मदद करने वाला देश और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग ही है। नॉर्थ कोरिया के लिए भारत ने काफ़ी सहायता की है और अगर इस सहायता के बदले में नॉर्थ कोरिया अपनी इस तरह की घटिया हरकतों को अंजाम देता है तो यह भारत की पीठ में छुरा घूपने के बराबर होगा। लेकिन अब जब इस षड्यंत्र का आभास भारत को हो चुका है तो ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप नहीं बैठेंगे। वह भी अपने दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानते हैं। उन्हें पता है कि दुश्मन को कैसे हराया जा सकता है। यही वजह है कि इस समय हिंदुस्तान बिल्कुल शांत है और चुपचाप अपने दुश्मनों को हराने की तैयारी कर रहा है। भारत की सभी सेनाएं सतर्क हो गई हैं। अब भारत भी अपने दुश्मनों के हर छोटे से छोटे कदम पर पहरा लगाए हुए है। हम सब जानते हैं कि तानाशाह किम जोंग अपनी तानाशाही की वजह से हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन अगर इसने कभी हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा या कोई ऐसी हरकत की जिससे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचे तो उसके बाद कोई भी देश नॉर्थ कोरिया को भारत से नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस समय कई देश ऐसे हैं जो कि नॉर्थ कोरिया के दुश्मन बन बैठे हैं। तो अगर आपको डर है कि नॉर्थ कोरिया से भारत को कोई नुकसान हो सकता है तो आप बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि किम जोंग अभी भारत को नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता, और अगर उसने ऐसा कुछ सोचा भी तो वह भारत से नहीं बच पाएगा। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।